First advanced structure, शुक्र मनाओ वे जा रहे हैं, शुक्र मनाओ उसने तुम्हें मारा नहीं, शुक्र मनाओ हम टाइम पर पहुंच गए। सो गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहां पर हम फ्रेजेस करते हैं शुक्र मनाओ। चलिए सबसे पहले इसके इंग्लिश जान लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बी ग्रेटफुल दैट, बी ग्रेटफुल दैट। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देनी है बी ग्रेटफुल दैट, इसके बाद कॉम्प्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। शुक्र मनाओ उसने तुम्हें मारा नहीं, बी ग्रेटफुल दैट ही डिडंट बीट यू, बी ग्रेटफुल दैट ही डिडंट बीट यू। शुक्र मनाओ हम टाइम पर पहुंच गए, बी ग्रेटफुल दैट वी रीच्ड ऑन टाइम, be grateful that we reached on time. शुक्र मनाओ वे जा रहे हैं, be grateful that they are going, be grateful that they are going. शुक्र मनाओ हमें कुछ नहीं हुआ, be grateful that nothing happened to us, be grateful that nothing happened to us. Second advanced structure, दम है तो अंग्रेजी बोलकर दिखा, दम है तो छू कर दिखा, दम है तो जाकर दिखा। सो गाइज, इस प्रकार की छोटे छोटे वाक्य को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, वो है दम है तो। दम है तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इफ यू हैव पावर, If you have power। चलिए इसका कम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देनी है सो बाय, इसके बाद आपको यूज कर देनी है वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, इसके बाद एक छोटा सा कमा यूज कर देनी है, कमा के बाद आपको यूज कर देनी है इफ यू हैव पावर। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। दम है तो छू कर दिखा, सो बाय टचिंग इफ यू हैव पावर, सो बाय टचिंग इफ यू हैव पावर। दम है तो मार कर दिखा, शो बाई बीटिंग इफ यू हैव पावर, शो बाई बीटिंग इफ यू हैव पावर। दम है तो अंग्रेजी बोलकर दिखा, शो बाई स्पीकिंग इंग्लिश इफ यू हैव पावर, शो बाई स्पीकिंग इंग्लिश इफ यू हैव पावर। दम है तो जाकर दिखा, शो बाई गोइंग इफ यू हैव पावर, शो बाई गोइंग इफ यू हैव पावर।